पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस साल के अंत तक खुलेगा। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे लॉकडाउन से रुकी थी काम की रफ्तार। सो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहे, स्किप ना करें, वीडियो समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पुरानी हिस्ट्री और नई हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और आप लोग से डिस्कस भी करेंगे। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर शुरू से लास्ट तक वीडियोस देखते हैं तो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 22,500 करोड़ की लागत से बन रहा है। 8-लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इसके निर्माण कार्य में दो महीने की हुई थी देरी। बावजूद यह एक्सप्रेसवे अभी अपनी अधिकारी समय सीमा अप्रैल 2021 से महीने पहले पूरा हो जाएगा। 2341 किलोमीटर लंबा 8-लेन एक्सप्रेसवे जो कि अभी तक पूरे देश में चलती है, जो कि अभी चालू क्यों नहीं किया गया, जो कि लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया तक जा रहा है एक्सप्रेसवे। लेकिन दोस्तों, अब बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी जोड़ दिया गया है जिसे 10 जिला से होकर जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोजेक्टमेंट एंड जो कि EPC के आधार पर हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश के कृषि आधारित 9 पूर्व जिलों को न केवल सीधे लखनऊ से जोड़ा जाएगा बल्कि उन्हें 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और 165 किलोमीटर आगरा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी कनेक्ट किया जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 10 जिला से होकर गुजर रहा है, पहले 9 जिला था, अब 10 जिला कर दिया गया है। अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA के मुख्य कार्य अधिकारी CEO अवनीश अवस्थी का कहना है कि लॉकडाउन से पहले 10,000 श्रमिक काम कर रहे थे लेकिन अभी साइट पर 5,500 मजदूर हैं। लेकिन हमने 8 पैकेज में काम भी कंपनियों को पूरा रफ्तार से काम चालू रखने और इस पूरे करने के लिए कहा गया है कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग यहाँ इस वीडियो में भी देखेंगे तो आपको पूरा तरीके से काम नज़र नहीं आएगा जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते में पूरा वर्कफोर्स काम शुरू कर देगी। यदि मानसून इस साल कमजोर रहता है और अनुमान है तो प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। अभी तक ऐसा अनुमान लगाया गया है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो कि यहाँ पर आप लोग नीचे देखेंगे डामर का काम, व्हाइट पट्टी जो कि यहाँ पर सारा भी मशीन आ चुका है जो कि अभी आधे घंटे बाद शुरू किया जाएगा काम को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा पुल है, तो इस पुल को भी तैयार किया गया है रेडीमेड पुल द्वारा जो कि यहाँ पे अलग अलग साँचे को बनाया जाता है, उसके बाद इस पे ढलाई की जाती है। तो इसको नेट बोल्ट के जरिए भी टाइट किया जाता है हर पार्ट को और उसमें सीमेंट मोरंग का भी प्रयोग किया जाता है। जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे अभी इस साइड पे काम चल रहा है, अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर बलिया तक बनाया जाएगा। जो कि अभी तक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का शुरुआत नहीं किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुलाई 2018 से शुरू हुआ है इसका काम, जो कि अभी तक 21 चल रहा है, 18, 19, 20, 3 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मीडिया के सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय
का कहना है कि 80% मिट्टी की पटाई खुदाई का काम पूरा हो चुका है और डामर का काम 80% पूरा हो चुका है और प्रोजेक्ट का करीब 48% फिजिकल का काम भी पूरा हो चुका है। शेष 52% काम बढ़े हुए श्रमिक की संख्या के आधार पर तय समय सीमा पर पूरा होगा, जो कि अभी तक पूरे तरीके से नहीं कंप्लीट है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस साइड पूरा कर दिया गया है, जो कि अभी डिवाइडर का काम 90% कंप्लीट है, बाकी 10% है जो अभी कंप्लीट नहीं है। प्लस यहाँ पर पुल का कार्य जो है 80% कंप्लीट है, 20% कंप्लीट नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत जगह ऐसा पुल है जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे साइड में नीचे की तरफ, तो इस तरीके का अगर पुल का बनावट किया जा रहा है तो अभी इस पुल का जो है निर्माण कार्य पूरा नहीं है, तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साइड में जो कि एग्जिट लिया गया है, और यहाँ से एग्जिट लेकर आप डायरेक्ट ही कूड़ेभार सुल्तानपुर हरौरा यहाँ तक आप जा सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं बाएं साइड से मुड़ के। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि बात करते हैं अभी तक एक्सप्रेसवे गुजरने के जिला अधिकारी से कहा है कि काम शुरू करने से पहले सभी श्रमिकों को व्यवस्था परीक्षण सुनिश्चित कराएं। अवस्थी ने बताया है हम यह सुनिश्चित कराना चाहते हैं सभी सावधानियां या सोशल डिस्टेंसिंग का भी नियम का भी पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को सरकार ने 8 हिस्सों में जुलाई 2018 में शुरू किया, लेकिन इससे 5 कंपनियां हैं जो कि पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, गायत्री प्रोजेक्ट, जीआर इंफ्राक, ओरिएंट जो कि इंजीनियरिंग और को ठेका भी दिया गया था, जो कि 5 कंपनी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अखिलेश यादव की सरकार में लॉन्च किया गया था। एक्सप्रेसवे बदलेगा इन 10 जिला की अर्थव्यवस्था, जो कि एक्सप्रेसवे के जरिए 10 जिला की अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 10 जिला बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा, जो कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी ज्वाइंट कर दिया गया है। तो बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का DPR अभी तक तैयार नहीं है, जो कि तैयार किया जा रहा है, तो तैयार होगा तो आप लोग को बताया जाएगा। ये जिले प्रदेश का सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। एक्सप्रेसवे का निर्माण से इस अल्प विकसित क्षेत्र ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा और आर्थिक संपन्न आएगी। अवस्थी का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे ने केवल इस क्षेत्र के विकास में अहम रोल करेगा, बल्कि यह लोग के जीवन शैली में भी बदलाव लाएगा। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा पर्यटन का भी इन क्षेत्रों में विस्तार होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इंडस्ट्री कॉरिडोर और एग्रीकल्चर सेंटर की तरह काम करेगा, जो कि अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पिछड़े गांवों को भी विकसित करेगा और उसमें काफ़ी व्यक्ति को रोजगार का भी प्रदान मिलेगा, अवसर मिलेगा। पूर्वांचल क्षेत्रों में खासकर इस इलाके के एग्री प्रोजेक्ट जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका एक्सप्रेसवे के जरिए आसानी से बड़े शहरों तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो कि आसानी से माल को लेकर आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कि पहले 12 घंटे के समय लगते थे, अब 5-7 घंटे समय लगेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मदद से बहुत आसानी से आया जाया जा सकता है, जो कि ट्रैफिक फ्री किया जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से पूर्वी यूपी के गाजीपुर को जोड़ेगा। लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होगा एक्सप्रेसवे और गाजीपुर के हैदरिया तक ख़त्म होगा। वहां से हैदरिया से शुरू होगा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे,
जो कि तीन मार्ग तय किया गया है। तीन मार्ग में 30 किलोमीटर का बलिया लिंक एक्सप्रेस वे तय किया गया है, जो कि 30 किलोमीटर का बलिया लिंक एक्सप्रेस वे तैयार किया जाएगा, और 4 लाइन तो उसे भविष्य में 6 लाइन भी किया जाएगा। तो हो सकता है बातचीत चल रहा है जो कि 6 लाइन बलिया लिंक एक्सप्रेस वे को तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अभी पूरे तरीके से बलिया लिंक एक्सप्रेस वे तैयार नहीं है। लखनऊ से गाजीपुर की यात्रा एक्सप्रेस वे बनने के बाद 4 से 5 घंटे में पूरा हो जाएगा, बहुत आसानी से तय कर लिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जो कि 12 घंटे का समय लगता था, उससे 4 या 5 घंटे में हमारा समय और ईंधन का भी बहुत ज़्यादा बचत होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ बाराबंकी अम्बेडकर नगर जो कि 8 लाइन बनाया गया है, इसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 17,000 करोड़ के लागत से बनाकर तैयार भी किया गया है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि उसका अभी तक जोड़ा नहीं गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अभी इस कार्य को स्टार्ट किया गया है, जो कि इस पुल को अभी तक पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सभी वर्कर सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग को ज़्यादातर मशीन ही दिखाई पड़ेगी, आदमी कम, जो कि एक मशीन को एक ही लोग चलाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग लगातार आप लोग को काम नज़र आएगा, जो कि यहाँ पर काम चलता रहता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के नए लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जो कि लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में होगा। अभी उसका उस प्रोजेक्ट को भी तैयार किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये पुल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और यहाँ इसके नीचे 2 पुल है, जो कि साइड में नदी का बहाव बहुत तेज़ी से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस पुल को काफ़ी ज़्यादा लंबा और मोटा बनाया गया है, जो कि आगे आप लोग को भी दिखाएंगे। यहाँ नीचे अगर देखेंगे तो ये नदी का बहाव है, जो कि 2 नदी एक साथ पड़ जाता है, इसकी वजह से।